अब हम पहले देखेंगे इसके रचयिता कौन है। इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब हम निराला जी का कवि परिचय देखेंगे कि निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1899 में बंगाल के महिषादल में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जन्म हुआ था और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी थे। इनके पिता महिषादल में रियासत के कोषाध्यक्ष थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। जब निराला 3 वर्ष के थे तब ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और निराला जी का पारिवारिक जीवन बहुत ही दुखों से घिरा था। उनकी पत्नी बेटी एक के बाद एक सब असामयिक मृत्यु का शिकार हुए और परिजनों से विषयों के दुख में उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और सन 1961 में निराला जी का देहांत हो गया। अब रचनाएं हैं तो आपकी कुछ काव्य रचनाएं जो प्रमुख हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। इन्होंने अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई, संपादन भी किया और निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य भी समाहित किया। अब देखेंगे निराला जी की साहित्यिक विशेषताएं। तो निराला की कविताओं के संपूर्ण सृष्टि में बिखरे हुए हैं। इन्होंने अनेक विषयों पर अपनी कविताएं कर लिखी है और अपने काव्य में प्रकृति प्रेम, सहानुभूति, दार्शनिकता, क्रांति, प्रतिकार आदि अनेक विषयों को स्थान दिया। निराला वास्तव में क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। उनकी कविता में भी यह झलक मिलती है। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कराया है। पहले छंद मुक्त कविता उन्होंने लिखी और तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। भाषा सरल बोलचाल वाली है और कविता छंद मुक्त होते हुए भी उसमें लयबद्धता और प्रवाहपूर्ण वाली है। अब हम कवि परिचय के बाद देखेंगे परिचय, जो ये पाठ है इसका परिचय देखेंगे कि उत्साह एक क्या है? आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित है, जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है और कविता में एक बादल एक तरफ पीड़ित प्यासी जनों की आकांक्षा को पूर्ण करता है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकों के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में भी देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि निराला जी ने उत्साह के लिए क्या बोला है और अब है पद पहला वाचन करेंगे इसका कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो बादल गरजो।
इसका हम सरनाम देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश बोला है पादन को उन्मन कहीं मन ना टिकने की स्थिति या अनमना निधा गर्मी सकल सब समस्त सारे आभा चमक या ज्योति वज्र कठोर या भीषण सख्त इसकी व्याख्या देखेंगे हम हाँ, कि कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओ बादल तुम खूब गर्जना करो कण को गड़गड़ाओ। वह पुनः कहता है कि ओ बादल तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों ओर से घेर लो। कैसे घेर लो? अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों ओर छा जाओ। समाज में बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि ओ नव जीवन का काव्य रचने वाले कवि तुम बादलों में काले घुमराले सुंदर बादलों की कल्पना करते हुए अपने हृदय में बिजली के समान कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छुपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो ओ बादल तुम खूब गर्जना करो। इसका सौंदर्य बोध है कि भाषा सहज और सरल है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का वर्णन किया है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बादलों को गरजने के लिए आह्वान किया है और इसमें ओज गुण है। अब हम इसके देखेंगे कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो प्रश्न है कि कविता का प्रमुख भाव क्या है? तो उत्तर है कि कविता का मुख्य भाव ओज है। कवि बादलों से आग्रह करते हैं कि गरज गरज कर सब में नई शक्ति का संचार कर दो और तुम वज्र के समान कठोर होकर और तुम सबको नई चेतना दो। फिर है कि बादल को बाल कल्पना को से पाले क्यों कहा गया है? कवि बादल की तुलना बालक की कल्पना से करते हैं। जिस तरह छोटे छोटे बालकों की कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसी प्रकार बादल भी अपना स्वरूप लगातार बदलते रहते हैं। फिर है कि इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहना चाहते हैं इस पंक्ति में बादल के हृदय में विद्युत अर्थात बिजली विद्यमान है। वह प्रखर है और बरसकर नव जीवन लाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई कवि अपनी कविता में बदलाव लाना चाहता है। अतः कवि ने यहाँ बादल को कवि रूप में भी चित्रित किया। अब हम देखेंगे पद दो। पद दो का आप सबसे पहले वाचन करेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गज। संदर्भ वही पूर्व की भांति है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की क्षितिज बुक से ली गई है और प्रसंग है कि कवि बादलों से प्रार्थना करते हैं कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसें और उसको शीतल और ठंडा कर। कठिन शब्दों के अर्थ है वज्र का कठोर, अट का सामान्य प्रविष्ट, पाट पाट जगह जगह और शोभा का सौंदर्य से भरपूर, शीतल का ठंडा कर दो। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि कवि ने व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, क्योंकि गर्मी
बहुत थे। प्रत्येक मनुष्य परेशान था, लोगों के मन अनजाने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी, बहुत गर्मी के कारण दुखी और परेशान थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कभी बादलों का आवाहन करते हुए कहते कि बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को और इस धारा को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ। हे बादल तुम खूब गरजो। इस कविता का संकेत करते हुए कि संसार में चारों ओर हिंसा की, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे, तब तक जाने कौन छाया सा बनकर आ गया। और जो दुखी थे, परेशान थे, पीड़ित, धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कभी बादलों से ही प्रार्थना करते हैं, यह बादल तुम खूब गरजो बरसो, और जो दुखी और पीड़ित जनता है उनको सुख प्रदान करो। हे बादल तुम खूब गरजो खूब बरसो। अब इसका काव्य सौंदर्य है कि तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ दुखों से पीड़ित है, जल का संकेत अर्थ शांति और सुख है। तत्सम विश्व हिंदी की यहाँ पर वर्णन किया गया है। ओज गुण है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विकल विकल्प और उन्मन उन्मन है। अब हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तरों को दे देंगे। पहला प्रश्न है कि लोग व्याकुल और अनमने क्यों हैं? लोग गर्मी बढ़ने से व्याकुल हैं, अनमने हैं क्योंकि बादल के न बरसने से सारी धरती जल रही थी, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। फिर यदि कभी बादलों से क्या आवाहन करते हैं, तो कभी बादलों से जोर जोर से गरजने और बरसने का आवाहन करते हैं, और वह कहते हैं कि सकल दिवस को गर्मी से राहत देने के लिए बादल तो खूब गरजो और खूब बरसो। फिर है कि बादलों को अज्ञात दिशा की अनंत घन क्यों कहा गया? बादलों को आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए उन्हें अज्ञात दिशा के कहा गया है। और साथ ही बादल अनंत है, वे कभी खत्म नहीं होते, एक बार खत्म होने पर पुनः बन जाते हैं, इसलिए उन्हें अनंत घन भी कहा गया है।